हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप पबजी के 0.13.5 यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप कैसे हैक कर सकते हो। बट गाइस, उसमें मैंने आपको बताया था वर्चुअल बॉक्स वाला मेथड। और गाइस, जब मैंने पोल करा टेलीग्राम वाले अपने चैनल पे, तो उसमें 70% के आसपास लोगों ने ये बोला कि पबजी हैक तो हो रहा है बट थोड़ा बहुत लैग कर रहा है लो एंड डिवाइसेस पे। तो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप पबजी को वर्चुअल स्पेस वाले मेथड से हैक कर सकते हो, और ये 100% वर्किंग मेथड है गाइस। तो गाइस, वीडियो को देखना और अप्लाई करके देखना कैसे काम करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि कोई सा भी हैक करता सबसे पहले देखने को मिलता है आपको इसी चैनल पे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जितने भी डाउनलोडिंग लिंक्स है वो मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाओ और जितने भी फाइल्स रिक्वायर्ड है उन्हें कर लो जल्दी से डाउनलोड, और जो APKs हैं उन्हें कर लो इंस्टॉल। और गाइज, एक और बात कि जो गेमिंग गार्जियन होगा वो रहेगा एक RAR फाइल में जिसका पासवर्ड है TechEVG यानी कि चैनल का नेम। तो आपको उसे एंटर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और करना है उसे इंस्टॉल। तो इस तरह से आपका इंस्टॉल हो जाएगा गेमिंग गार्जियन। और उसके बाद से जब सारे फाइल्स आप इंस्टॉल कर लो तो आपको ओपन करना है अपना वर्चुअल स्पेस। तो जल्दी से ओपन करते हैं अपने वर्चुअल स्पेस को, और इसमें आपको पूछेगा पासवर्ड। पासवर्ड है मोड M कैपिटल। तो जल्दी से इसे एंटर करते हैं, ये हो गया ओके। और इसके बाद से ओपन हो जाएगा अपना वर्चुअल स्पेस, तो अलाउ करते हैं। इसके बाद से यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा ऐप्स जो कि रिक्वायर्ड हैं। तो पबजी ऐड हो जाएगा ऑलरेडी, अगर आपका ऐड नहीं होता तो आप उसे भी ऐड कर लेना। यहाँ पे ऐड गेम्स में जाएंगे और जाएंगे लोकल गेम्स में, और यहाँ पे हमें ऐड करना है दो ऐप्स को जो कि रिक्वायर्ड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करते हैं रूट एक्सप्लोरर को, और सेकेंड ऑफ ऑल करेंगे हम अपने गेमिंग गार्जियन को। तो ये दोनों फाइल्स हो गए ऐड। अब क्या करना है आपको गाइस, आपको ओपन करना है अपना पबजी मोबाइल। तो ओपन करते हैं, और आपको वेट करना है लोगो के रिमूव होने का, यानी कि मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो जैसे कि ये ओपन होने देते हैं, तो ये ओपन होने पे ये जो लोगो दिख रहा है आपको, इसको रिमूव होने का आपको वेट करना है। तो ये जो दिख रहा है कीज़, इन्हें हटाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको जाना होता है ये फ्लोटिंग आइकन पे, इस पर टैप करना है और सेटिंग पे जाएंगे, ओपेसिटी को करेंगे हिडन, और यहाँ से कर देंगे टिक। तो ये बटन्स हट जाएंगे, मतलब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप देखते हैं लोगो हट गया, करेंगे हम मिनिमाइज़ पबजी को, और फिर से जाएंगे हम अपने वर्चुअल स्पेस पे, और पासवर्ड डाल के करेंगे एंटर। यहाँ जाएंगे हम रूट एक्सप्लोरर पे, और उसके बाद से वेट होते हैं, करते हैं इसके ओपन होने का। और यहाँ पर आपको जो स्टोरेज दिख रहा है इसमें आपको ओपन कर लेना रहेगा अपना, जहाँ भी आपने लिव फाइल्स को स्टोर करके रखे हैं। तो मैं भी जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज, ये हो गए ओपन। और इसके बाद से आपको यहाँ पे जाना है ये 3 bars पे, और यहाँ पे जाना है प्रेफरेंसेस पे, और नीचे जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल ST पाथ, और यहाँ पे आपको पेस्ट करना रहेगा एक कोड जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिंड कमेंट में। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, और ये कोड टाइप कर देना रहेगा, या फिर आप कर सकते हो कॉपी पेस्ट। तो करते हैं ओके। इसके बाद से आपको जाना रहेगा बैक, और ये प्लस के आइकन को क्लिक करना है, और एक्सटर्नल SD कार्ड टैब पे टैप करना है। इसके बाद से आपको ये जो तीन फाइल, मतलब ये बहुत सारे जो फाइल्स हैं ये दिख रहे हैं, बट इसमें से ये आपको तीन फाइल्स जो हैं इसे कॉपी करना है। बट उसके पहले हम क्या करेंगे कि ये जो तीन फाइल्स हैं इनका जो ओरिजिनल फाइल्स है उसका बना लेते हैं बैकअप। तो ये तीन फाइल्स के जल्दी से बैकअप बना लेते हैं। और ये ले जाके हमने पेस्ट कर दिया ओरिजिनल में, तो ये हो जाने देते हैं पेस्ट। और इसके बाद से हमें क्या करना है, हम जाएंगे बैक पेरेंट फोल्डर में, और फिर ये जो तीन फाइल्स हैं इन्हें करेंगे हम सेलेक्ट और करेंगे कॉपी।
यहाँ पे जाते हैं एसडी कार्ड वाले टैब में और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो ये कुछ लिखेगा एग्जिस्टिंग आइटम, तो करना है डू दिस फॉर ऑल एग्जिस्टिंग आइटम पे टिक और करना है रिप्लेस। तो इससे जितने भी मॉडर्ड फाइल्स होंगे वो हो जाएंगे रिप्लेस। और गाइस इसके बाद आपको ओपन करना है अपना गेमिंग गार्जियन वर्चुअल स्पेस के अंदर। तो जल्दी से ओपन करते हैं। सो गाइस यहाँ पे करेंगे हम ओके और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे स्टार्ट पे और ये आ गया आपका फ्लोटिंग आइकन गेमिंग गार्जियन का। इस पे करेंगे हम टैप और जल्दी से जो जरूरी सेटिंग्स हैं उसे हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सेलेक्ट मेमोरी रेंजेस पे और बैड डेंजरस को करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद से जाएंगे हाइड गेम गार्जियन फ्रॉम द गेम और करेंगे 1, 2, 3, 4 को सेलेक्ट और करेंगे सेव। और उसके बाद से जाएंगे हम प्रिवेंट अनलोड पे और सेलेक्ट कर लेंगे लेवल 3। तो यहाँ आपका काम हो गया पूरा जो कि करना था आपको गेमिंग गार्जियन के सेटिंग्स के साथ। तो इसके बाद से हम क्रॉस पे टैप करेंगे और सिंपली देखो गाइज अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी कि अगर आप चाहते हो आपका अकाउंट 100% मतलब बैन नहीं हो तो आपको कनेक्ट कर लेना चाहिए वीपीएन के साथ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं वीपीएन और होस्ट फाइल को सेलेक्ट करके कर लेते हैं कनेक्ट। और गाइज देखो आपकी मर्जी है, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ना करो इससे कनेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी ये वर्क करेगा। तो इसके बाद से जब सारा कुछ हो चुका है तो आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है अपना वर्चुअल स्पेस और उसके बाद से ओपन करना है पबजी को वर्चुअल स्पेस के अंदर और गेम को खेलना है। तो गाइज मैं भी जल्दी से ओपन करता हूँ और एक गेम खेलता हूँ। और गाइज वीडियो को स्किप ना करना क्योंकि लास्ट में अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका पबजी जो है वो क्रैश कर जाएगा यानी कि फिर ओपन नहीं होगा। तो गाइज वीडियो को देखना लास्ट तक, खेलते हैं एक मैच को। This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. सो गाइस गेम कंप्लीट हो जाने के बाद से आपको जाना रहेगा रूट एक्सप्लोरर पे और फिर जाना रहेगा ओरिजिनल वाले फोल्डर में और ये तीनों फाइल्स को कर देना रहेगा सेलेक्ट और करना रहेगा कॉपी। फिर जाएंगे हम एसडी वाले टैब में और यहाँ पे कर लेंगे हम पेस्ट। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डू दिस फॉर ऑल एग्जिस्टिंग आइटम्स पे टैप और करेंगे रिप्लेस। तो इससे आपका जो ओरिजिनल फाइल्स थे वो हो गए फिर से जहाँ पे थे वहीं पे पेस्ट। तो गाइस देखो अब आपको करना क्या रहेगा जब भी आपको गेम खेलना हो, तो देखो अगर आप चाहते हो वीपीएन कनेक्ट करना तो आपकी मर्जी, आप कनेक्ट करो या ना करो। और उसके बाद से गाइस आपको क्या करना रहेगा, आपको ओपन करना रहेगा अपना वर्चुअल स्पेस ऐप और उसके अंदर ओपन करना रहेगा पबजी। जब लोगो हट जाए टेंसेंट वाला तो आपको करना रहेगा मिनिमाइज उसे और जितने भी लिप फाइल थे उसे मॉड वाले मतलब जो मॉड लिप फाइल थे उसे आपको कर देना रहेगा कॉपी पेस्ट और गेम खेलना रहेगा। गेम जो आपको कंप्लीट हो जाए 1, 2, 3, 4 जितना भी गेम चाहो आप खेलो, उसके बाद से आपको फिर करना रहेगा क्लोज गेम को और फिर जो ओरिजिनल लिस्ट फाइल थे उसको आपको इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर देना रहेगा। सो गाइज बस इतना ही आपको करना है और बस गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।